सबसे जरूर। पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम पंकज अवधेश शुक्ला है। मैं एक्टिंग करता हूँ एंड आई एम एन एक्टर। एंड संतोष जी के साथ पिछली फिल्म मैंने करी थी हंसा एक संयोग। एंड दूसरा अपने शादाब जी के साथ दूसरी फिल्म है कोई है यहाँ। सो आई एम प्लेइंग द लीड इन इट। एंड एक हॉरर कॉमेडी है, काफ़ी हंसाएगी और गुदगुदाएगी सिनेमा घरों में। आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कहानी के बारे में आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, या अपने किरदार को लेकर क्या अच्छा लगा है, उसके बारे में कुछ देखिए, बताइए। यूजुअली भूत की जो कहानियाँ होती हैं वो उसमें ज़्यादातर थोड़ी न्यूडिटी भी थोड़ी होती है। यूजुअली दैट इज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द बी ग्रेड सिनेमा। लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश है कि मतलब हमारे राइटर और डायरेक्टर सर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को काफ़ी संजीदा ढंग से पेश करें और जो एक्सेप्टेबिलिटी समाज में आए कि मतलब चूंकि हॉरर फिल्म्स को इतना बड़ा स्थान अभी तक नहीं मिला है। सो वी आर ट्राइंग। सो दैट्स इट। तो नयापन क्या होगा इस हॉरर कॉमेडी या फिर हॉरर मूवी में? यूजुअली भूत आपको डराते हैं, बट लेकिन हियर आई थिंक दे विल गोइंग टू एंटरटेन यू। वो आपको हंसाएंगे, आपको एवरी पल वो आपको गुदगुदाएंगे। और यूजुअली जो एक मिथ जो बना हुआ है कि भूत हमेशा डराते हैं, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वॉट वॉट रियल घोस्ट डस। सो दैट इज़ और कुछ क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर के लोग? साथ मैं पहले भी एक फिल्म में कर चुका हूँ, हंसा एक संयोग, जैसे मैंने बताया संतोष जी के साथ। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था। इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रांसजेंडर एंड काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म था। इट वॉज बीन रेटेड 8/10 में से IMDb पे। एंड तो इनके साथ काम करने का तो अलग ही मज़ा है। एक्ट्रेस एक्ट्रेस की बात करें तो कौन है इसके अंदर? इसमें मंत्रा पटेल है, तो मंत्रा पटेल है इसमें एक्ट्रेस। और मंत्रा पटेल जो है वो मेरे साथ पिछली फिल्म हंसा में भी थी। एंड उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा काम करती हैं, काफ़ी एक्टिंग, मतलब शी एंजॉयस एक्टिंग। ताज एंड मोहरत के साथ गाने का जो आपने रखा है प्रोग्राम, तो गाना किस तरह का है फिर उसके बारे ये में तो कुछ आपको बताइए। सर, डायरेक्टर सर जी सर, बताएंगे। जी, ये गाना थीम सॉन्ग है जो पूरी फिल्म में चलेगा। एक आत्मा है, प्रेत आत्मा है, उसके साथ जुल्म हुआ है, तो उसके ऊपर ही सॉन्ग है। तो हंसा के साथ बहुत फेमस हुए हाँ, थे और आपने अच्छी फिल्म बनाई थी, तो ये फिल्म कितना अलग होगी ये उससे? भी इंशाल्लाह अच्छी होगी फिल्म। अच्छी कहानी है, हॉरर कॉमेडी है। जिस तरह मतलब भूत की फिल्म में लोग डराते हैं, डराने वाली कहानी नहीं, इंटरटेनिंग कहानी है। एक ट्रैक है हॉरर का, उसके साथ फुल फ्लैश इंटरटेनिंग है। तो पुरानी टीम कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, हाँ, इन्वॉल्व है। तो कॉन्सेप्ट क्या सोच के आपने ट्राई कर रहे हैं हॉरर को? हॉरर अक्सर क्या होता है, लोग डरते हैं, लोगों के दिमाग में एक बात होती है हॉरर फिल्म है तो भूत होगा, डराएगा, खून खराबा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है, इसमें जो है फुल फ्लैश कॉमेडी है। हॉरर का एक ट्रैक है लेकिन फुल फ्लैश कॉमेडी है इसमें। शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? बॉम्बे में ही करने वाला हूँ, शूटिंग बॉम्बे में ही होगी। आज गाने की रिकॉर्डिंग है, तो लोकेशन पर कब से जाने वाले हैं? जनवरी एंड तक जाएंगे, नए साल में जनवरी एंड तक जाएंगे। कुछ कहानी के बारे में कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे ये कहा कॉन्सेप्ट जो आप? कॉन्सेप्ट पंकज जी ने जिस तरह बोला, अभी पूरी कहानी तो आपको नहीं बता पाऊंगा, आपको लेकिन उसके लिए तो जो, थिएटर में आना हाँ, जो पड़ेगा। थिएटर में आना पड़ेगा कि हमारी जो फिल्म है इसमें जो भूत हैं वो डरने वाले नहीं हैं, डराने वाले नहीं हैं, हंसाने वाले, हंसाने वाले हंसाने हैं, वाले हंसाने वाले भूत हैं वो। हंसाने वही वाले ये समझ लीजिए, वन लाइन यही है कि भूत हमारे जो है वो डराने वाले नहीं हैं, हंसाने वाले भूत हैं। ओके सर, आपने राइट की है फिल्म, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म को लिखते समय जब कॉन्सेप्ट नरेट किया शादाब साहब ने, तो ये हुआ कि कुछ नयापन आएगा इसमें, और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। और बनाने का मौका बहुत कम मिलता है, जब चीज़ें बनाई जाए तो परफेक्ट बनाई जाए तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें, ताकि लोगों को एक्सेप्ट हो के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट मार्केट में आया, हर सब्जेक्ट इस को तरह लेकर। की फिल्में और जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कहानी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपको कितना अपनी कहानी पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा सब्जेक्ट? मैं तो 100% कॉन्फिडेंस लेके चल रहा हूँ और 110% देने की कोशिश करूँगा कि बेटर से बेटर हो। भी पूरी टीम साथ में है, हम अकेले दावा नहीं करते। जितने राय मिलते हैं, जितने मशवरे होते हैं, मैं एक्टरों से भी सलाह लेता हूँ, डायरेक्टर के साथ तो बैठना ही होता है। तो कोशिश ये रहेगी कि बेटर से बेटर रिजल्ट आए। एक सीन बनता है जो अटैच करता है लोगों को, तो हर सीन अटैच करे ऐसा कोशिश करें। सर, गाने की बात करें तो गाना कौन कौन सिंगर गाने वाला है इसके अंदर, उसके बारे में? अभी अभी स्वामी शैलेश जी गा रही हैं, इसके बाद जो है जावेद अली साहब हैं, ओके, और हमारे
ममता शर्मा है। कितने गाने हैं? 6 गाने हैं, एक थीम सॉन्ग है, बाकी एटम सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, रोमांटिक ड्यूट है। अच्छे सिंगर ही रहेंगे सर। सर जी, मैं सतीश गुप्ता। सतीश सर क्या कहेंगे जी, जी बारे में नई शुरुआत है, नई फिल्म है? नई फिल्म है, फिल्म अच्छी है, आप जब देखेंगे तो तभी समझ में आ पाएगा। तो आपका किरदार भी ऐसे ही डरावना सा है? नहीं, किरदार अब देखते हैं क्या किरदार है। और मैं कई सीरियल भी कर चुका हूँ अभी शादाब जी के साथ में। तो सबसे पहला सीरियल जो है इन्होंने किया था, डायरेक्ट किया था, वो कातिल कौन था, उसमें मेरे 5 रोल थे उसमें। और उसके बाद एक ढेर फिल्म की थी, टेली फिल्म थी वो। उसके बाद हासिल सीरियल था एक, वो भी किया था। बाकी स्टेज किया हमने, स्टेज आर्टिस्ट जो हैं। बाकी फिल्म जो है बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग जब देखेंगे, जब सामने आएगी। मतलब कहानी आपको बता दी गई है? नहीं, कहानी देखी अभी तो आप कैसे बता पाएंगे? आपको कहानी तो जो आप देखेंगे। किरदार बता दिया आपको, क्या प्ले करने वाले? नहीं, किरदार तो अभी नहीं पता लगा है, लेकिन जो कहानी जो है अच्छी है, बढ़िया रहेगी। जी जी बिल्कुल। आई एम डीओपी सर के साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। हमारे हीरो हैं, राइटर साहब हैं, ये हमारे एक्ट्रेस हैं सारे। पिक्चर का हॉरर कॉमेडी मूवी है, इज़ गुड। तो डीओपी कुछ प्लान करता है फिल्म? 100% डीओपी एंड डायरेक्टर दोनों प्लान करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ऑल्सो जो सिचुएशन होता है वहाँ पे, सब्जेक्ट सुनाने के बाद मुझे बताते कि ये है, उसके हिसाब से हम लोग लाइटिंग का ए टू जेड का प्लान करके ही सब करते हैं। ओके, थैंक यू।